एवरीवन, दिस इज विशाखा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू जिन्होंने मुझे गुड विशेस दी और फाइनली मैं एकदम परफेक्टली फाइन हूँ। मेरी तबीयत बहुत अच्छी हो गई है अब सिर्फ आपके गुड विशेस की वजह से। देखो, मैं एक एक करके सबके कमेंट का रिप्लाई कर रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी मैं रिप्लाई करूँ। जैसे जैसे मैं डाउट्स देख रही हूँ, बहुत मतलब अजीब अजीब से डाउट्स लेके आ रहे हो यार आप लोग। मतलब इतने में कैसे मिलेगा मैम, इतने में कैसे मिलेगा। तब क्यों नहीं सोचे जब CUET का एग्जाम था? तब सोचना चाहिए था ना कि DU की कट ऑफ कितनी हाई जाती है, 200-300 में कैसे कॉलेज मिलेगा, कोई अच्छा कॉलेज वो भी DU के अंदर में। क्या ये पॉसिबल है कहीं से भी? चलो एक मिनट के लिए मान भी लो कि चलो ठीक है मिल भी गया, लेकिन आपको एकदम लो कोर्सेज मिलेंगे। आप सोच रहे हो कि 200 नंबर ले आके 300 नंबर ले आके बीकॉम ऑनर्स बीकॉम कर लूँ, नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए इस चीज़ को, बहुत मुश्किल है। आप इवनिंग कॉलेज के लिए अप्लाई कर लो, चाहे ऑफ कैंपस के लिए अप्लाई कर लो, क्योंकि सबसे ज़्यादा रश बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम में ही होता है। उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। इनमें एडमिशन मिलना इतने कम मार्क्स पे थोड़ा इम्पॉसिबल वाली बात है। ये थोड़ा क्या, एक्चुअली इम्पॉसिबल वाली भी बात है। तो इस चीज़ को क्लियर रखिए आप कि बीकॉम ऑनर्स में 200-300 नंबर ला के एडमिशन लेना इज़ टू टफ, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में। कोई और कॉलेज ट्राई कर तो शायद हो जाए, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में भैया कंपटीशन बहुत हाई होता है। तो इसके लिए सोच समझ के पूछा करो भाई। चलो ठीक है, तुम्हारी डाउट थी, मेरा काम था तुम्हें क्लियर करना, मैंने आपको अभी क्लियर कर दिया इस चीज़ को लेके। बाकी मैं यही कहूँगी, अगर कोई भी डाउट हो किसी तरह का भी, अगर आप परेशान हो, काउंसलिंग चाहते हो, उसके लिए भी मैं आपकी हेल्प करूँगी, ठीक है। बाकी तो आपको क्या करना है, आपको तो बस कमेंट करना है, बाकी तो मैम आपको रिप्लाई कर ही दे देती है, ठीक है। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी का आज सिम्युलेटेड रैंक आने वाला है आपका। 11th ऑफ अगस्त को सिम्युलेटेड रैंक अनाउंस होने वाला है। चलो उसके लिए रैंक आएगा आपका, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी कंपटीशन कम हो गई। करीब करीब सिर्फ 1,90,000 स्टूडेंट ने ही Phase 2 कंप्लीट करा है। बहुत बच्चों की फॉर्म रिजेक्ट हो गई, और उसका रीज़न भी मैंने कल बताया था कि रिजेक्ट होने का रीज़न क्या है आपका। रिजेक्ट होने का यही रीज़न है कि आपने 12th में ये सब्जेक्ट दिया, CUET में ये सब्जेक्ट दिया, अगर आपका मैच हो गया तो फॉर्म आगे बढ़ गई, CUET में वो सब्जेक्ट दे रखा है, 12th में वो सब्जेक्ट ही नहीं है आपका, तो उस वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो गई बहुत बच्चों की। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन, चलो को अच्छी बात नहीं है, बुरी बात तो है एक्चुअली, क्योंकि बार बार बहुत सारे यूट्यूबर बहुत सारे टीचर्स बोल रहे थे कि आप आपका 12th का मार्क्स अच्छा रखो, 12th बेस अपना प्रॉपर बनाओ, मैपिंग अच्छे से करो, लेकिन फिर भी बच्चों ने इसको इग्नोर किया। मैंने भी कहा था कि आपको 12th की मैपिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सही सही करना मैपिंग, एक नहीं कई वीडियोज़ बनाई इस पर, कहा भी कि डाउट है तो पूछ लो, डाउट है तो पूछ लो, लेकिन फिर भी बच्चों ने इसको इग्नोर किया। आज इग्नोर की वजह से उनका फॉर्म इग्नोर हो रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में। तो गलती किसकी है? कहीं ना कहीं आपकी, आप इग्नोरेंस कर रहे हो उस चीज़ों को लेकर। तो फ्यूचर के साथ लापरवाही करना इज़ नॉट डन, बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो निकल जाएगा सबका फिर वही चीन टपाक डमडम वाली बात आ जाएगी। खैर ये थोड़ा ज़्यादा क्रीज हो गया, मैं इंस्टाग्राम ज़्यादा नहीं चलाती हूँ। खैर चलो, अब ये तो समझ में आ गया कि आपका सिमुलेटेड रैंक आ जाने वाला है। आगे देखते हैं आगे आपका प्रोसेस क्या होगा। आगे आपका प्रोसेस तो काउंसलिंग का प्रोसेस होना है, जैसे कि मैं पहले भी बता रखा है आपको कि देखो बच्चों, आगे आपका देखो डिक्लेरेशन ऑफ सिमुलेटेड रैंक आज होगा 5 शाम में 5 बजे हो जाएगा 11th ऑफ अगस्त को, यानी आज ही आना है आपको। प्रेफरेंस चेंज विंडो खुल जाएगी 5 को, यानी आज ही खुल जाएगी, और कल 12 बजे तक ही ओपन रहेगी। तो देखो प्रेफरेंस चेंज करने का, सिमुलेटर रैंक आने के बाद बच्चे घबरा जाते हैं, आपको घबराना नहीं है, पेशेंटली काम करना, ये नहीं कि बस सिमुलेटर रैंक देखे ऊपर नीचे कर दिया, श्री सफल कर दिया, फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर आप भी बाहर हो जाओगे बाकियों की तरह। तो वो गलती नहीं करना, पूछ लेना एक बार कि मैम ये चीज़ें कर सकते हैं या नहीं, ये चेंजेस कर सकते हैं या नहीं, लेस और ऐड कर सकते हैं। देखो लेस ऐड करना इज डिफरेंट थिंग, लेकिन रीशफल करना, ऊपर नीचे कर देना रैंक की वजह से, वो नॉट डन, क्योंकि वो करोगे तो फिर हो सकता है प्रॉब्लम में फंस सकते हो, तो उसका रिस्क गारंटी बिल्कुल मैं नहीं लूंगी, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर आपका वेरिफिकेशन होगा, अप्रूव होगा एप्लीकेशन ऑनलाइन, फिर पेमेंट होगा, वैकेंट सीट पे डैशबोर्ड कैंडिडेट्स आएंगे, रीऑर्डर होगा, फिर उसके बाद सारे प्रोसेस होंगे, फिर देन उसके बाद आपका सेकंड फेज ऑन हो जाएगा। ये सब तो आपको पहले से पता है, मैंने आपको कई बार बताया सब चीज़, इस सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहिएगा, बिल्कुल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आप लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हो, परेशान होने लगते हो, मैंने देखा काफ़ी बच्चे परेशान हैं अपने मार्क्स को लेके। बहुत बच्चों ने तो, एक दो बच्चों ने मैंने ये भी देखा कि उन्होंने CSAS Portal 2 पे रजिस्टर ही नहीं किया, और उसके बाद पूछे मैम कोई चांस है, इज़ इट पॉसिबल? बिल्कुल भी नहीं। अब लास्ट डेट तक एक्सटेंड हो गया, उसकी वीडियो भी बनाई कि लास्ट डेट एक्सटेंड हो गया, अब तक नहीं किया वो भी कर लो, स्टिल आपने रजिस्टर नहीं किया, तो ये आपकी लापरवाही थी इस चीज़ को लेकर, क्योंकि सारे सब लोग बता रहे हैं कि भैया आप ये कर लो, ये प्रॉब्लम आएगी, ये चीज़ें आएगी, कर लो आप, लेकिन नहीं, आपने तो इग्नोर करना था, आपने किया और देखो क्या रिजल्ट मिला उस चीज़ का। तो यही चीज़ आपको नहीं करना था यहाँ पे, अब यही करने की वजह से आप प्रॉब्लम में फंस गए, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेंगे JNU की। देखो JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने भी अपना रजिस्टर फॉर्म ऑन कर रखा है, पोर्टल ओपन है उनका, वो भी 12th ऑफ अगस्त तक चलेगा। 12th ऑफ अगस्त तक आप रजिस्टर्ड कर लेना, बहुत अच्छा कॉलेज है अगर आपका लैंग्वेज और GT है तो। अगर लैंग्वेज और GT में से 450 नंबर में से अगर आप 400 भी स्कोर कर रहे हो तो भैया सीट मत छोड़ना, बहुत अच्छा। देखो लैंग्वेज ना,
अपने आप में ही बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत सारे बच्चे होते हैं बहुत अलग अलग कोर्सेज करते हैं, मुझे पता है कि, लेकिन लोग सोचते हैं कि लैंग्वेज में कोई स्कोप नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत स्कोप है लैंग्वेज में। आपको पता होना चाहिए कि JNU ही ऐसा यूनिवर्सिटी है जो आपको स्कॉलरशिप देता है बाहर पढ़ने के लिए, आउट ऑफ इंडिया, फॉरन भेजता है अपने स्टूडेंट को। वन ऑफ माई फ्रेंड जो पढ़ रही है अभी, उसने वहाँ से स्पेनिश लैंग्वेज करा JNU से, उसे अभी स्पेन जाने का मौका मिल रहा है 9th month के लिए, और पूरा का पूरा स्कॉलरशिप JNU प्रोवाइड कर रहा है। शी गॉट 900 यूरो फ्रॉम स्पेन यूनिवर्सिटी। उसने उन्हें वहाँ पे जाके बस इंग्लिश पढ़ाना है स्पेन के बच्चों को। अब सोचो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, ये सबको नहीं मिलता, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती कॉलेज की। अब सोचो वहाँ स्पेन में जाने का, कमाना तो छोड़ो अलग बात है, तुमको फॉरेन भेज रहा है JNU यूनिवर्सिटी बिना किसी खर्चे के, खुद के पैसे पे, तो फिर क्या दिक्कत है। अगर आपको, फिर भी मैं कह रही हूँ कि अगर आपको अच्छा स्कोर आ रहा है तो JNU में अप्लाई करना, और प्रेफरेंस लिस्ट चाहते हो कि मैम आप JNU का प्रेफरेंस लिस्ट बता दो कैसे बनाना है, तो वो भी मैं हेल्प करूँगी। बस आप कमेंट करके बताना कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो JNU को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ DU के बच्चों को देखा है कि DU के बच्चे हमेशा कमेंट करते हैं कि मैम इतने में मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत एक दो को मैंने देखा है सिर्फ JNU के लिए। अगर आप चाहते हो कि मैं JNU का भी प्रेफरेंस लिस्ट बनाऊँ, एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँ, तो उसके लिए कमेंट करना, मैं जरूर आपको बना दूँगी, नेक्स्ट डे ही भेज दूँगी आपको बना के, ठीक है। देखो इसका तो आ गया, आपका एलोकेशन वगैरह हो जाएगा। देखिए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, जवाहरलाल नेहरू का देखो, तो जवाहरलाल नेहरू को बस आपको जाके यहाँ पे रजिस्टर्ड करना है। यहाँ देखो लास्ट डेट भी दे रखा है कि 12th of August को आपका लास्ट डेट है। स्टेप 1 आपको एप्लीकेशन डालना है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालना है, उसके बाद आपका जो भी स्कैन इमेजेस वगैरह हो गया पेमेंट करना, उसके बाद आप रजिस्टर हो जाके, बाकी आपको डॉक्यूमेंट अप्लाई करना है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालना है। तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको वही 12th का मार्क्स जाएगा आपका, ठीक है, CUET का स्कोर जाएगा, एंड देन आपका कोई भी STSC या किसी भी कैटेगरी का आपका सर्टिफिकेट है वो जाएगा, स्पोर्ट्स कोटा शायद इसमें जाता है, मैं एक बार कंफर्म करके बताऊंगी आपको, लेकिन हाँ कैटेगरीज वाइज जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह होगा वो जाएगा इसमें, तो उसका यूज़ करना। और सबसे अच्छी बात ये है ना कि JNU के अंदर में क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट, अब क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, देखो मैं JNU का प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी ना तो उसमें आपको समझा दूंगी क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट मार्क्स क्या होते हैं। JNU में कुछ नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, अगर आप फीमेल हो तो खैर तो उसकी बात ही अलग है, फीमेल को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है JNU के अंदर में, वो भी मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी। जगह आप मुझे कहोगे कि मैम आप प्रॉपर वीडियो बना दो JNU के ऊपर, मैं एकदम विस्तार से बहुत अच्छे से समझा के आपको बनाऊंगी, ठीक है। खैर ये तो बात होगी आपकी इस चीज़ की, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम BHU की। देखो BHU का भी पोर्टल बहुत दिन तक ऑन था, आपने भरा या नहीं भरा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी बच्चों ने ये काम कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो भैया देखो BHU भी ऐसा यूनिवर्सिटी है कि आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है अलग अलग चीज़ों को करने का, ठीक है। ऐसा तो होता है कि चलो ठीक है दिक्कत हुई मैम नहीं भर पाया, लेकिन अभी भी आप कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं JNU के अंदर भी करने के लिए, स्कोरिंग करने के लिए तो कोई भी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद तो JNU BHU ही सबसे ऊपर आता है, आपको तो पता ही होगा ना यार, रैंकिंग बहुत अच्छी है BHU की भी, ठीक है। चलो देखो इसका मैंने सीट के लिए बताया था कि इसके अंदर भी देखो बहुत कम बच्चे एनरोल कर पाते क्योंकि सीट लिमिटेड होती है इसके अंदर में, ठीक है। आप पेमेंट मेथड देख लोगे तो पेमेंट मेथड तो देखो सबका अलग अलग है, फीस बहुत मिनिमल होती है BHU की। अगर आप चाहते हो कि मैम BHU के ऊपर भी आप बहुत अच्छी से एक वीडियो बना दो, प्रॉपर स्टार्टिंग से लेकर रजिस्ट्रेशन लेकिन सब कुछ बता दो काउंसलिंग प्रोसेस तक, वो भी मैं बता दूंगी आपको, बस आपको कमेंट करना है कि मैम मुझे BHU के लिए वीडियो चाहिए, ठीक है। बस आप इतना करोगे मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगी। अब पेड सीट के बारे में भी मैंने कई बार अपने BHU के वीडियो में बता रखा है आपको इसके बारे में कि भैया पेड सीट वगैरह भी होते हैं, ठीक है। प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह भी आपके बन गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आपने BHU के प्रेफरेंस लिस्ट भी बना लिए होंगे, अगर नहीं बनाए हो तो भैया कम टाइम है वो भी ख़त्म कर लेना, प्रेफरेंस इसके भी बना लेना। इसमें भी अच्छी पढ़ाई होती है, एक्सप्लोरिंग की जगह है, काफ़ी सुंदर वातावरण है इसका, मज़ा आएगा अगर आपका BHU के अंदर में भी हो जाता है। तो ये 3 कॉलेज तो मेजर इंपॉर्टेंट कॉलेजेस है, अगर आपने नहीं डाला है तो जल्दी कर लो, टाइम कम है। DU का तो निकल चुका है, अब DU का आप क्या होगा, सिमिलेटर रैंक आएगा आज, उसके बाद आपका एलोकेशन सीट हो जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ आएगी ना, लिस्ट आएगी, उसमें काफ़ी भयंकर यानी बहुत अच्छे खासे बच्चों को एडमिशन मिलने वाला है इस बार फर्स्ट लिस्ट में। अगर आपने गलती करी तो वो आपकी गलती है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे जो समझदार बच्चे हैं उन्होंने बिल्कुल कोई मिस्टेक नहीं किया होगा, अगर किया भी होगा तो आई विल हेयर, मैं हेल्प करूंगी आपको, उसके लिए आप टेंशन मत लेना, परेशान मत होना, पैनिक तो बिल्कुल भी मत करना, मैम है मैम सब बताएंगे आपको। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में एडमिशन लेना है वो भी बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम को दिए, जस्ट आपके क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे, और उसमें भी अगर आपको काफी कम स्कोर है, अगर आपको CUET में भी कम स्कोर है तो भी आपका एडमिशन भारत के टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेज में हो जाएगा थ्रू collegevidya.com। जी हां, कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट में पिन है। कॉलेज विद्या के थ्रू आज के समय भैया 1,00,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने ड्रीम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले चुके हैं। जितने भी इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको ऑनलाइन लर्निंग ई लर्निंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारे के सारे UGC रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज
कॉलेज विद्या पे अवेलेबल है। आपको करना कुछ नहीं है, कॉलेज विद्या पे आइए, अपना लिंक सारी चीजें यहां पे गिवन है, आप अपना अकाउंट बनाइए, अपना यूजर नेम आईडी डाल के साइन अप कीजिए एंड आपको यहां पर यूजी कोर्स मिल जाएगा आफ्टर 12th। एंड यहां पर आके आप अपना मनपसंद कोई भी कोर्स बीए बीकॉम बीएससी बीबीए बीटेक कोई भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। जैसे ही आप इस कोर्स पे क्लिक करोगे आपके सामने सारी यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगी, उसकी फीस कितनी है, कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लेसमेंट लगेगा, सारी डिटेल आप डायरेक्ट यहीं पर अप्लाई टू यूनिवर्सिटी पे क्लिक करके अपना एडमिशन बुक कर सकते हो। और आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम भी दिया जाएगा घर बैठे बैठे। फीस का कोई टेंशन नहीं रहेगा, प्लेसमेंट का कोई टेंशन नहीं है, टाइम का कोई टेंशन नहीं है, आपकी पूरी ग्रेजुएशन आपके घर से बीतेगी। तो जाइए कॉलेज विद्या को चेकआउट कीजिए, इसकी लिंक इस वीडियो के कमेंट में एंड डिस्क्रिप्शन में पिन है। बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट करो और बहुत ज्यादा प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ गुड डे, बाय बाय।